हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल एमएस डुमरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का एप्लीकेशन क्या है। तो आज का एप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू इलनेस। इस एप्लीकेशन में आपको कहता है कि आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे इलनेस, बीमारी के कारण छुट्टी मांगते हुए, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों टू लिखना पड़ेगा लेफ्ट में, है ना। जैसे आप लोग हिंदी में प्रधानाचार्य के पास या कोई ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो आपको याद होगा हिंदी में सेवा में लिखते हैं, हम लोग उसी को इंग्लिश में टू बोलते हैं, अर्थात सेवा में। अब आपको कहाँ लिखना है, तो प्रिंसिपल के पास लिखना है ना, तो आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा द प्रिंसिपल, है ना। अब आपका जो स्कूल का नाम होगा, जो आपका कॉलेज का नाम होगा, आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एमएस डुमरी, आप अपने यहाँ पे विद्यालय का नाम लिख देंगे और आपका विद्यालय किस डिस्ट्रिक्ट में है ना, आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे, दरभंगा या कुछ भी, ठीक है, दरभंगा, पटना, मधुबनी, जो भी होगा। अब आपको एप्लीकेशन क्यों लिखना है, छुट्टी के लिए लिखना है ना, किसके लिए लिखना है, छुट्टी के लिए लिखना है। तो आपको सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा, अर्थात विषय फॉर लीव, अर्थात छुट्टी के लिए, है ना, छुट्टी के लिए। आप सबसे शुरू में आपको इसके बाद लिखना पड़ेगा सर या मैम, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब हो जाएगा महाशय या महोदय। उसके बाद लिखना है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से, इसका मतलब हुआ मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ दैट कि आई कुड नॉट अटेंड द क्लास ड्यू टू इलनेस, अर्थात मैं बीमारी के कारण कक्षा में उपस्थित न हो सका, है ना। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कॉफ एंड कोल्ड, मैं पीड़ित हूँ किससे, कब से, अर्थात सर्दी जुखाम से, ठीक है ना। आप यहाँ पे फीवर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके आगे लिखना मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को देयरफॉर, अतः आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 डेज लीव फ्रॉम 10 to 13 September 2022, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे 3 दिन का छुट्टी दे, कब से कब तक का, तो 10 से लेकर 13 September 2022 तक का छुट्टी देने का कृपया प्रदान करें। आगे लिखना पड़ेगा आप लोग को आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, इसके लिए मैं सदा श्रीमान का आभारी बना हुआ रहूंगा, ठीक है ना। अब आगे आपको लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को योर फेथफुल्ली, अर्थात आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना, आप चाहो तो यहाँ पे क्लास भी लिख सकते हो, ठीक है ना, रोल नंबर भी लिख सकते हो, ओरिजिनल रोल नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।